सो गाइस क्वीन ऑफ टीयर्स तो फिलहाल टॉप पे है एंड उसका मेन रीजन है क्वीन ऑफ टीयर्स का मेन लीड यानी किम जी वोन एंड किम सो ह्यू एंड उन दोनों का केमिस्ट्री क्वीन ऑफ टीयर्स में तो उन दोनों का केमिस्ट्री माइंड ब्लोइंग है बट उन दोनों का बाकी एक्ट्रेस के साथ भी उतना ही माइंड ब्लोइंग केमिस्ट्री रहा है। सो आज का वीडियो होने वाला है टॉप 5 बेस्ट के ड्रामा ऑफ किम जी वोन एंड किम सो ह्यू। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो किम जी वोन का पहला ड्रामा है फाइट फॉर माई वे। ये सीरीज 2017 में आया था एंड इसका आईएमडीबी रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। मैंने बहुत पहले देखा था ये वाला सीरीज बिकॉज मुझे फ्रेंड्स टू लवर कॉन्सेप्ट देखना पसंद है, दो दोस्तों के बीच कैसे प्यार बिल्डअप होते हैं मुझे वो देखना था एंड इसलिए मैंने सर्च किया था एंड मुझे ये मिला। जिनको रोमांटिक सीरीज देखना पसंद है उनको ये सीरीज देख के मजा आएगा एंड जिनको पार्क सियो जुन एंड किम जी वोन दोनों पसंद है उनको तो ये वाला सीरीज देख के बहुत ज्यादा मजा आएगा बिकॉज इस सीरीज में उन दोनों का केमिस्ट्री ऑन फायर था। स्टोरी सिंपल है, कोदोंग एंड चायरा दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं एंड दोनों के बीच स्टार्टिंग में प्यार नहीं होता है बट बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं एक दूसरे के लिए। सो दोनों के बीच कैसे प्यार होता है वो देख के मजा आता है एंड जेलेसी फैक्टर भी ऐड किया सीरीज में। सो सीरीज इंटरेस्टिंग है। सो नेक्स्ट सीरीज है इट्स ओके टू नॉट बी ओके। ये वाला सीरीज वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज है एंड इस सीरीज का रिव्यू मैंने नहीं किया बट मुझे देना है इसका रिव्यू बिकॉज सीरीज माइंड ब्लोइंग है। इस सीरीज का हर एक छोटे छोटे मोमेंट इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है मतलब आप खो जाओगे सीरीज में एंड ये सीरीज 2020 में रिलीज हुआ था। इसका आईएमडीबी रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10 बट इसका एक्चुअल रेटिंग मेरे ख्याल से 9.5 आउट ऑफ 10 होना चाहिए था बिकॉज सीरीज माइंड ब्लोइंग सीरीज है। आप सिर्फ एक एपिसोड देख लो आप दीवाना हो जाओगे इस सीरीज का, मतलब इतना ज्यादा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। इस सीरीज का ये सीरीज हिट होने का एक ही रीजन है सियोया जी एंड किम सो ह्यून का केमिस्ट्री। भाई उन दोनों का केमिस्ट्री ऑन द टॉप था एंड सियोया जी का मतलब एक्ट भाई आप फिदा हो जाओगे। इसका स्टोरी पूरा घूमते है कॉमून योंग एंड मून गेंग ताई के बीच। बहुत सारी स्टोरी है सीरीज में जैसे किम सो योंग एंड उसके भाई के बीच जो एक प्यारा सा बॉन्ड दिखाया गया वो भी देखने में बहुत ज्यादा प्यारा लगता है बट सीरीज तो मेन लीड के बीच जो केमिस्ट्री दिखाया गया उसकी वजह से हिट है। लड़की डोमिनेटिंग लड़का शाय भाई कॉन्सेप्ट ऑन द टॉप है। सो अगर आपने अभी तक ये वाला सीरीज नहीं देखा है भाई अभी जाके देखो, मस्ट वॉच सीरीज है। सो नेक्स्ट सीरीज है लव स्ट्रक इन द सिटी। ये ड्रामा किम जी वोन की बेस्ट ड्रामा में से एक है एंड मैंने बहुत पहले देखा था ये वाला सीरीज। अब भी मुझे याद है एक सीन जब वो दोनों डिवोर्स के बाद एक दिन अचानक से मिलते हैं एंड डिवोर्स के बाद भी किम जी वोन अपना जो वेडिंग रिंग है वो संभाल के रखते हैं, मतलब वो वाला सीन मुझे सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगा था सीरीज में। तो इस सीरीज में किम जी वोन के ऑपोजिट में है वन ऑफ माय फेवरेट हीरो जी चैंग वूक। इस सीरीज में उन दोनों का केमिस्ट्री यार एक्चुअली किम जी वोन है इतना ज्यादा ब्यूटीफुल मतलब उसको हर एक के साथ ही अच्छा लगता है। सो ये एक लव स्टोरी है तो अगर आपको लव स्टोरी देखना पसंद है एंड रिबॉर्न टाइप सीरीज देखना पसंद है तो आपको ये वाला सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगा एंड आई एम श्योर आप भी फैन हो जी चैंग वूक का। सो सीरीज फटाफट देख लो। सो नेक्स्ट सीरीज है माय लव फ्रॉम स्टार। ये किम सो ह्यू का बहुत ही पुराना शो है बट आपको स्टोरी पसंद आएगा बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इस सीरीज में किम सो ह्यू एक एलियन है जो 400 साल से किसी रीजन से अर्थ पर फंसा हुआ है। क्या है वो रीजन आप सीरीज देखो बट उसके बाद वो अपना जो एक्ट्रेस है उसके साथ इन्वॉल्व होता है, उसके बाद उन दोनों के बीच लव कैसे स्टार्ट होते हैं। बेसिकली ये एक लव स्टोरी है बट लव के साथ साथ बहुत कुछ दिखाया गया सीरीज में। सो सीरीज इंटरेस्टिंग है एंड इसका आईएमडीबी रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है एंड इसका हिंदी लैंग्वेज अवेलेबल है एंड मैंने अभी जितने भी सीरीज के बारे में बोला है हर एक सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। सो नेक्स्ट सीरीज है माय लिबरेशन नोट्स। ये सीरीज किम जी वोन का बेस्ट सीरीज कहा गया है बट मुझे इस सीरीज का एक चीज पसंद नहीं आया। तो अपना हीरो है मिस्टर गु, उसका एंड किम जी वोन का जो एंडिंग क्लैरिटी है वो अच्छे से देना चाहिए था। बाकी उन दोनों का केमिस्ट्री अच्छा है एंड स्टोरी भी अच्छा है। इफ यू एंजॉय स्लो बर्निंग लव स्टोरीज देन आपको ये वाला सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगा। इसका आईएमडीबी रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। सो ये था टॉप 5। ओ या मैं तो भूल ही गया, लास्ट सीरीज है क्वीन ऑफ टीयर्स। आई एम श्योर आपने देख लिया होगा बट अगर आपने नहीं देखा सो प्लीज जाके देख लीजिए एंड रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो या गाइस ये था किम जी वोन एंड किम सो ह्यू का टॉप 5 बेस्ट सीरीज। आपने क्या क्या देखा है प्लीज कमेंट एंड कौन सा सीरीज आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगा वो भी कमेंट कीजिए एंड किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस सीरीज या मूवी पे रिव्यू चाहिए प्लीज कमेंट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो या गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।